और भाई लोग, क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग सब? एकदम बढ़िया। तो यार, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लेबर्नम टॉप पोम के बारे में, जिसे लिखा है टेड ह्यूगस ने। लेबर्नम एक पेड़ है, एक ट्री है, जिसके पत्ते, फूल, सब चीज़ यार येलो होते हैं, एकदम येलोइश पेड़ होती है ये। इस पोम में बेसिकली हम लोग लेबर्नम ट्री और गोल्ड फिंच बर्ड के रिलेशनशिप के बारे में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि कैसे जब बर्ड आती है उस पेड़ पर बैठती है तो क्या क्या होता है। सितंबर का महीना था, यानी कि ऑटम सीजन चल रहा था, चमचमाती धूप थी, दोपहर का समय था और हमारे पोएट ना उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी वो नोटिस करते हैं कि जो लेबर्नम ट्री है वो बहुत ही शांत, बहुत ही क्वाइट है, मतलब उसमें कोई भी हलचल नहीं है। उसके जो कुछ पत्ते हैं वो भी येलोइश हो चुके हैं, एकदम डल हो चुके हैं। जो सीड्स हैं वो यार नीचे गिर रही हैं, यानी कि ऑटम का महीना है तो जितने भी पत्ते वगैरह हैं वो सब झड़ रहे हैं, सीड वगैरह जो है वो सब झड़ रही हैं ताकि नया आ सके। हालांकि लेबर्नम ट्री के फूल और पत्ते पहले से ही पीले होते हैं, लेकिन फिर भी वो मुरझा गए थे, इसलिए थोड़ा सा डल लग रहे थे और बहुत ही शांत थे, कोई मूवमेंट नहीं था, जब तक कि गोल्ड फिंच बर्ड नहीं आ जाती है। जब उस पेड़ पे गोल्ड फिंच बर्ड आती है तब उसके अंदर एक हलचल होती है, एक मूवमेंट होता है, पत्ते हिलने लगते हैं। अब आगे देखो, जब गोल्ड फिंच बर्ड आती है तो क्या क्या होता है। जब वो गोल्ड फिंच बर्ड आती है और लेबर्नम ट्री के ब्रांच पर बैठती है तो उसके पंख फरफराते रहते हैं, तो उसके आने से लेबर्नम ट्री के अंदर भी एक चहचहाहट हो जाती है, मतलब वो भी थोड़ा थोड़ा हिलने लगती हैं। इसके आने से पहले पेड़ एकदम शांत था, लेकिन जैसे ही आकर पेड़ पर बैठी तो पेड़ में भी एक मूवमेंट आया। एक लिजार्ड की तरह गोल्डफिंच भी बहुत ही स्मूथली और पूरा अलर्ट होकर अचानक से पेड़ के अंदर घुस जाती है। स्लिक का मतलब होता है स्मूथ। अब देखा होगा तुमने, यह छिपकली जो है, जो लिजार्ड होती है, वो बहुत ही स्मूथली चलती है, यानी कि तुम्हारे पास से गुजर जाएगी और तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो वैसे ही गोल्डफिंच बर्ड भी अपने घोंसले के अंदर घुस जाती है और घुसते से ही मशीन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जैसे वो घोंसले के अंदर घुसती है वैसे ही उसके बच्चे खुशी के मारे चहचहाने लगते हैं, उछलने कूदने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है मशीन स्टार्ट्स अप, यानी कि जो उसके बच्चे हैं वो खुश हो जाते हैं और खुशी के कारण चहचहाने लगते हैं। मशीन यहाँ पर इनके बच्चों और इनके पूरी फैमिली को कहा गया है। पेड़ भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके पत्ते वगैरह भी हिलने लगते हैं। अब माँ के आने की खुशी में उसके बच्चे गाना गा रहे हैं, झूम रहे हैं, अपने पंख को फरफरा रहे हैं, थ्रिलिंग कर रहे हैं। जो पूरा का पूरा पेड़ है वो भी थ्रिल कर रहा है, यानी कि पेड़ भी एकदम खुशी से रोमांचित हो गया है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब यहाँ पर इट कौन है? इट वही गोल्डफिंच बर्ड है और ये जो है एक इंजन है अपनी फैमिली का। पोएट ने बर्ड को इंजन क्यों कहा? क्योंकि यार एक इंजन के बिना गाड़ी चलती नहीं है, यानी कि एक इंजन के बिना कोई भी मशीन नहीं चलती है। तो वैसे ही एक माँ के बिना कोई परिवार नहीं चलता है, इसीलिए इंजन और माँ को रिलेट कर दिया, उस बर्ड को रिलेट कर दिया। मशीन कौन है? उसकी पूरी की पूरी फैमिली, बच्चे बच्चे। और एक मशीन को चलाने के लिए क्या जरूरी चाहिए? इंजन। तो वैसे ही एक फैमिली को चलाने के लिए क्या चाहिए? उसकी माँ। ठीक है, समझ गए। सी स्टोक्स इट फुल। स्टोक वर्ड जो है ना, बेसिकली फ्यूलिंग के लिए यूज होता है। जब हम लोग गाड़ी वगैरह में पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं या फिर डीजल वगैरह डलवाते हैं तो उस समय हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन इस पोएम में इस वर्ड का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि उसकी जो माँ है उसने अपने सारे बच्चे को खाना खिला दिया है। अब एक गाड़ी को चलाने के लिए जैसे हम लोग फ्यूल डालते हैं, जैसे उसमें हम लोग पेट्रोल वगैरह डालते हैं, वैसे ही उसके बच्चे को, उसके बच्चे की लाइफ को चलाने के लिए वो फीड करती है, उनको खाना पानी देती है। स्टोक को यहाँ पर फीडिंग से रिलेट किया गया है, यानी कि खिलाने से रिलेट किया गया है। माँ को इंजन से, परिवार को मशीन से और खिलाने को स्टोक से। पूरी की पूरी मैकेनिकल टर्म चल रही है यहाँ पे, इंजीनियरिंग करने वाले हो तुम। और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो अपने फेस को कवर करते हुए उड़ जाती है। फेस को कवर करते हुए उड़ जाती है, इसका मतलब ये है कि उस बर्ड का भी कलर जो है ना वो येलो कलर होता है और पेड़ का भी कलर जो है वो येलो है, तो पता ही नहीं चलता है कि कब वो आई और कब वो चली गई। बस एक चीज़ है जिससे तुम पहचान सकते हो, उसके हेड के ऊपर ना छोटा सा ब्लैक कलर होता है, जैसा कि तुम इस इमेज में देख रहे हो, यही वो है जिससे तुम पहचान पाओगे, वरना येलो में येलो मिक्स हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कि वो बर्ड वहां पर है भी कि नहीं है। यही जो ब्लैक कलर है ना, उसका आइडेंटिटी मार्क है। वो बर्ड एक वंडरफुल तरीके से विचित्र सा आवाज निकालते हुए, एक सुरीली मधुर सी आवाज निकालते हुए फरफराकर उड़ जाती है। सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, यानी कि वो फरफराकर उड़ जाती है इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी मतलब स्काई, स्काई तुम्हें पता है इन्फिनाइट होता है, तो इसीलिए स्काई को इन्फिनिटी यहाँ पर लिख दिया गया है। और उसके जाने के बाद जो लेबर्नम ट्री है वो फिर से क्वाइट और साइलेंट हो जाती है। यहाँ पर एम्प्टी लिखा हुआ है, यानी कि फिर से उसके अंदर खालीपन आ जाता है, एकदम शांत हो जाती है वो। तो बस भाई, हो गया खत्म तुम्हारा पोयम। ये पोयम ना हमें पावर ऑफ लव के बारे में बताती है कि किसी भी एक इंसान के आने की वजह से तुम्हारे जीवन में कितनी खुशियां आ जाती है उसके बारे में बता रही है। अक्सर हम लोग बोर हो जाते हैं या फिर जब टेंशन में होते हैं तो बहुत ही ज्यादा शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ करने का मन ही नहीं करता है, और तब हमारे लाइफ में एक ऐसा इंसान आता है जिसको देखकर, जिससे बातें करके हम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही जो लेबर्नम ट्री है ना, वो बहुत ही साइलेंट रहती है, अक्सर वो हमेशा साइलेंट ही रहती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन जब वो गोल्डफिंच बर्ड आती है और उस पर बैठती है तो वो पेड़ भी खुश हो जाता है।
जब हमारे पास भी कोई एक ऐसा इंसान आता है जिससे हम बहुत ही अटैच्ड होते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। वो एक शख्स कौन है जिसके आने से तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करने लगते हो, झूम उठते हो एकदम। उसका नाम यार मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और जिसके आने से तुम खुश हो जाते हो उसके साथ भी जरूर शेयर करना। और हाँ, अगर तुमने अपने भाई के चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब मारो, फ्री का है। चलो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय।